नहीं जी, हमने बैड एंड डाउटफुल डेट सीखे, इसकी छोटी सी समरी दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं, और से सुनिएगा। हमने कहा हमारे पास जो बैड एंड डाउटफुल डेट्स होते हैं, इनमें वो डेट्स जिनके बारे में हमें लगता है कि अब ये नहीं मिलेंगे, उनको हम बैड डेट्स कहते हैं, और जिनके बारे में आपके और कस्टमर के दरमियान कोई डिस्प्यूट वगैरह हो और आपको डाउट हो बट स्टिल यू आर होपिंग कि ये पैसे में मिल जाएंगे, तो ऐसे रिसीवेबल को हम डाउटफुल डेट्स कहते हैं। लेकिन प्रूडेंस कहता है कि इन द टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी एसेट्स एंड इनकम शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड एंड लायबिलिटीज एंड लॉसेस शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि प्रूडेंस अप्लाई ही अनसर्टेनिटी में होता है। इफ यू आर अनसर्टेन अबाउट समथिंग, तो जब अनसर्टेनिटी होती है तो यू हैव टू मेक श्योर कि एसेट ओवरस्टेट ना हो। इसलिए जो रिसीवेबल आपके डाउटफुल होते हैं उन पर भी आप अलाउंस क्रिएट कर लेते हैं और आपको लगता है कि अब ये पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन यू आर स्टिल होपफुल, तो आप अलाउंटी तौर पर अलाउंस क्रिएट कर लेते हैं और उनको एसओएफपी में अपने रिसीवेबल में से क्या करवा देते हैं, लेस करवा देते हैं। अब अलाउंस दो तरह से हमारा बनता है, एक स्पेसिफिक अलाउंस भी हो सकता है, जनरल अलाउंस भी हो सकता है। स्पेसिफिक अलाउंस हमारे पास क्या होता है कि अगर हमें लगता है वो टिपिकल कस्टमर हमें इतने पैसे नहीं दे पाएगा या सारे नहीं दे पाएगा, तो हम उस कस्टमर पर स्पेसिफिक अलाउंस लेते हैं। एक आदमी ने 1,00,000 देना है, लगता 50,000 नहीं देगा, तो उसके 50,000 में हम अलाउंस ले लेंगे पूरा 50,000, तो हम स्पेसिफिक अलाउंस ले लेते हैं। जिन लोगों पर स्पेसिफिक अलाउंस ले लेते हैं, बेशक एक आदमी ने 1,00,000 देना था, अलाउंस 10,000 है, तो जनरल अलाउंस के लिए हम उसका पूरा 1,00,000 इग्नोर करेंगे। जब जनरल अलाउंस लेते हैं तो स्पेसिफिक अलाउंस जिन कस्टमर्स पर लिया होता है उनका पूरे का पूरा बैलेंस इग्नोर किया जाता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ जनरल अलाउंस। तो जनरल अलाउंस कैलकुलेट करेंगे, स्पेसिफिक अलाउंस कैलकुलेट करेंगे, और ये हमेशा जो अलाउंस कैलकुलेट हो रहे होते हैं ये ईयर एंड पर हो रहे होते हैं, क्लोजिंग रिसीवेबल पर। तो क्लोजिंग रिसीवेबल पर जो क्लोजिंग अलाउंस आएगा वो हम एसओएफपी के फेस पर लिख देंगे ग्रॉस रिसीवेबल, और उसके बाद उसमें से हम अलाउंस माइनस करेंगे क्लोजिंग, जो टोटल होगा स्पेसिफिक और जनरल अलाउंस का माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नेट रिसीवेबल आ जाएंगे। फिर हमने कहा कि पीएनएल में ये कैसे जाता है, तो बैड एंड डाउटफुल डेट्स के कॉन्टेक्स्ट में पीएनएल में दो चीजें जा सकती हैं बुनियादी तौर पर। एक चीज और भी मैं बताता हूँ। एक हमने ये पढ़ा था कि बैड डेट एक्सपेंस खुद बराह रास्त जब हम एंट्री करते हैं बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, तो बैड डेट एक्सपेंस होते हैं वो पीएनएल में जाएंगे। दूसरा, अगर हमारा अलाउंस बढ़ रहा है, इंक्रीज इन अलाउंस है, क्या है, इंक्रीज इन अलाउंस है, तो हमारे बैड डेट एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा और हमारे बैड डेट एक्सपेंस को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और अगर डिक्रीज इन अलाउंस है तो वो हमारे बैड डेट एक्सपेंस में से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आपके डाउटफुल डेट्स कम हो रहे हैं। तो बैड डेट्स में इंक्रीज इन अलाउंस ऐड होता है और जो डिक्रीज इन अलाउंस होता है वो क्या होता है, कम होता है। पीएनएल में इंक्रीज इन अलाउंस हमारे बैड डेट्स एक्सपेंस में ऐड होकर हमारे एक्सपेंस को बढ़ा देता है, और डिक्रीज इन अलाउंस हमारे बैड डेट एक्सपेंस में से लेस होकर उसको क्या करता है, हमारे एक्सपेंस को कम कर देता है। अलाउंस का अकाउंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ओपनिंग रिसीवेबल पर आपने ओपनिंग अलाउंस लिया, क्लोजिंग रिसीवेबल पर आपने क्लोजिंग अलाउंस लिया, तो अलाउंस चूंकि हमारे एसेट्स में से कम होता है तो एसेट की नेचर डेबिट होती है, जो चीज उसको कम करेगी उसकी नेचर क्रेडिट होगी, इसलिए अलाउंस की नेचर क्रेडिट होती है और उसका ओपनिंग बैलेंस किधर होगा, क्रेडिट साइड पर। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, क्लोजिंग डेबिट साइड पर लिखेंगे, कंपेयर कर लेंगे। अगर इंक्रीज इन अलाउंस हुआ तो एक्सपेंस है और डिक्रीज इन अलाउंस हुआ तो हमारी इनकम है, इफेक्टिवली इनकम है, क्योंकि हमारे ये फॉर द ईयर बैड डेट एक्सपेंस को क्या करती है, कम करती है। तो आपने ओपनिंग और क्लोजिंग अलाउंस लेना है, जो भी बैलेंसिंग आएगा वो बैड डेट एक्सपेंस में जाएगा। अलाउंस का ताल्लुक किसी और अकाउंट से नहीं है, उसका ताल्लुक बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट से है। इंक्रीज इन अलाउंस होगा तो वो बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट आ जाएगा, और बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट इसको करंट करेगा, खुद डेबिट हो जाएगा। और अगर अलाउंस डिक्रीज हो रहा है तो तब भी बैलेंसिंग क्या आएगा, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट। डिक्रीज इन अलाउंस है, जैसे 1,00,000 से 87,000 हुआ तो बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट बैलेंसिंग होगा, इसको डेबिट करेगा तो खुद क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और फिर बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट का जो बैलेंसिंग होता है वो कहां जाता है, वो हमारे पीएनएल में जाता है। पीएनएल के साथ जो ताल्लुक है वो किसका है, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट का। और अलाउंस हमारे रिसीवेबल अकाउंट में नहीं होता, अलाउंस जो हमारे क्लोजिंग रिसीवेबल होते हैं आफ्टर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, उन पर अलाउंस क्रिएट किया जाता है, अलाउंस कभी रिसीवेबल का हिस्सा नहीं होता। और एक बात हमने और सीखी कि अगर फ्यूचर में कभी बैड डेट्स हमारे रिकवर हो जाए
तो जब रिकवर होंगे तो कैश आएगा, कैश को डेबिट कर देंगे और बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ इस टॉपिक से तीन चीजें आ सकती हैं, बैड डेट एक्सपेंस, बैड डेट रिकवरी और अलाउंस। बैड डेट रिकवरी इनकम है, बैड डेट एक्सपेंस एक्सपेंस है, और अलाउंस हम ओपनिंग और क्लोजिंग कंपेयर करेंगे। इंक्रीज इन अलाउंस एक्सपेंस होता है और डिक्रीज इन अलाउंस हमारी क्या होती है, इनकम होती है। फिर इस पे हमने कहा था कि एज एनालिसिस भी हम देखते हैं कौन से रिसीवेबल कितने पुराने हैं। जितना पुराना रिसीवेबल होगा उसके बैड डेट्स होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो जो लेटेस्ट रिसीवेबल होते हैं उन पर नॉर्मली अलाउंस की परसेंटेज कम होती है, और जो पुराने रिसीवेबल होते हैं उन पर अलाउंस की परसेंटेज ज्यादा हो सकती है। तो अगर एग्जामिनर डिफरेंट परसेंटेजेस बता दे तो फिर हमें उन कस्टमर्स को उनकी एज के अतबार से अलहदा अलहदा करके सब पे क्या करना पड़ेगा, अलाउंस लेना पड़ेगा। ओके की रिपोर्ट, ये बुनियादी बातें थी जी। ये आपकी जैसे मैंने बताया इसी तरह फिंगर टिप्स होनी चाहिए।